बोला यहाँ पे अपेरेंटली हमें बिल्कुल बॉस। ओ भाई ये क्या है। तो एक बार फिर हम येलो विंड सेज से लड़ने के लिए आए हैं। वो हमने वेपन वगैरह स्टाफ वगैरह अपग्रेड कर ली अपनी। ओए कितना बड़ा हो गया भाई ये। अबे ये इसका सर था, उसका नहीं था, सॉरी इसको धोखा दिया था, एर्लिंग का नहीं था, माय बैड। ये मॉन्क टाइप कुछ लग रहा है। बुधा बुधा बच्चा ये। वो भी स्टैचू बन गया भाई साहब। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। सो हम आ गए एक और वुकोंग के एपिसोड के साथ। सो इस एपिसोड में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में काफी ड्रैगन्स वगैरह मारे, बिल्कुल एक और बॉस मारा, और हम वापस रॉक रेस्ट फ्लैट पे उस एरिया में आ गए हैं क्योंकि वहां पर अभी काफी कुछ बचा है। बिल्कुल गुड न्यूज ये है कि पीछे के जितने भी बॉसेस है वो सारे हमने क्लियर कर लिए चैप्टर 1 के। हां फाइनली वो चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर तो एटलीस्ट चेंज होते जा रहे हैं। वो जगह जो है ब्लैक माउंटेन कंसीडर उसी में होता था ना। हाँ, चैप्टर 1 में सीक्रेट बॉस। हाँ ब्लैक माउंटेन जो है उस एरिया में जितने भी बॉसेस थे वो सारे मार दिए हैं। अब हम इस एरिया में फंसे हुए हैं और इधर काफी कुछ है अभी अनलॉक करने को, क्योंकि जो टाइगर हमने पिछले एपिसोड में मारा था उससे हमें एक की एलिमेंट मिला है जिससे काफी कीज और काफी जगह और काफी रास्ते खुल रहे हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स जंप राइट इन। ओके सो ब्लैक विंड माउंटेन का हमारा खत्म हो गया सारा, येलो विंड रिज पे हैं हम और यहाँ पे काफी जगहें खुल चुकी हैं राइट। स्काउल हाइड आउट पे चलते हैं शुरू में जहाँ पे हम थे और वहां से हम चेक करते हैं कि कोई चीज रह तो नहीं गई है, क्योंकि वो एरिया भी हम लोगों ने काफी हम ट्रैक पकड़ लेते थे किसी भी एक जगह का पर पूरा एरिया एक्सप्लोर नहीं कर सक रहे थे। यस और यार ये हिल क्यों नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा हमसे, वो तो बना हुआ है चल नहीं रहा। चलो इग्नोर करते हैं इसको, आगे चलते हैं। ये क्या है some bastard been trapped on this rock with his spell when the rocks on the ridge have come to life in that cave there's a rock guy lurking holding secrets I bet should you uncover the reason I shall find my way out। सो वो ये कह रहा है कि भाई किसी बास्टर्ड ने मुझे ट्रैप कर दिया रॉक्स में और इधर के रॉक्स वगैरह भी जिंदा हो गए हैं और ये हमें बता रहे हैं उस रॉक मदर का जिसको हम ऑलरेडी मार चुके हैं और ये डिलीवरी का भी आ गया कि वहां से मार के इधर डिलीवर करना कुछ। ये फाइट हो गया वैसे, स्पिरिट लग रहा है मुझे। ओ ये दो नंबरियां कर रहे हैं वहां से। ओ ये भी बॉस है मैन इन स्टोन। चलो बेटा हो जाओ जरा तुम। ओ भाई क्या हो रहा है, आग लगाते हैं तो पत्थर को आग लगेगी। पत्थर हो गया हमने, किसी नहीं लग रहा पत्थर ही है किसी टाइप का साला। एक तो हमने इसकी मदद की ऊपर से चौड़ा हो गया हमारे साथ ही, तो जड़े हम काट रहे हैं। चलो सही गया भाई, आ जाओ फिर जल्दी से खत्म करें इसको। भाई आर्मी आ गई अपनी, मार दे क्लाउड्स से वगैरह जो ऊपर। खत्म खत्म। हाय हाय रेडी, एक तो इसकी जान बचाई है, इसको निकाला है। वो वापस चला गया, मर्सी मर्सी वापस घुस गया सारा। पिकअप क्या पिकअप करना है, पिकअप ले रहे हैं। कोई नई एबिलिटी, हेलो। हाँ फ्रॉम अजूर डस्ट अ रॉक गाया स्टैंड्स रोबस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रॉक गाया इम्यून टू ऑल फोर बेन्स। Okay. It builds up might when hit. Okay, so एक और वो आ गया हमारे पास apparently skill, वो भी चल के देखते क्या है। आगे तो रास्ता नहीं है बस। I can't be handing it over to you for free. Come back later to trade with me. Easy there. Easy there. अच्छा वो कह रहा है बाद में हम इसके पास आएंगे तो ये कुछ हमें चीजें भी दे सकता है, रीस्टॉक करना है, नीड अ लिटिल बिट टाइम टू रीस्टॉक, इसे चीजें खरीद या बेच सकते हैं कुछ ऐसा चक्कर है। ये क्यों वो तो बना हुआ है, ये वैसे ही है।
ओके सो गुड थिंग कि हमने ये चीज़ें सर्च इधर आके सर्च किए क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं लगनी थी एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा था कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया वो जगह वगैरह तो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं अब आई थिंक ये जगह एक्सप्लोर हो गई है सारी और राइट सो ये जगह तो हो कोई जगह रहती है आई थिंक ये जगह क्लियर हो गई है नहीं ये वो ये रास्ता आगे जा ही जा रहा है यस ये देख वो देख चेस्ट पड़ी है ओके क्या मिला टाइनी पीस ऑफ गोल्ड ओके ओ भाई क्या क्या जगह है ये ओ गॉड शिट अबे हटो सालो अबे यार कीड़े बिठाए मैं सॉपर डबल करा रहे वो ऊपर जाते हैं भाई ऊपर भी हैं एक दो वो पड़ी है बॉल वो पड़ी है उसकी आई बॉल अभी आई बॉल्स का इधर क्या चक्कर है ये भी नहीं पता ना हमें यार तू फ्रीज कर दे मेरे ख्याल से मेरे पास वो नहीं है शिट ट्रांसफॉर्म कर ले फिर यहाँ से यार ये कितनी मिल चुकी है हमें पांचवी छठी मिल रही है मिल गई है यार यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ देख ये अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया और ये की आइटम्स है सारे यहाँ से नहीं जा सकते उतरना पड़ेगा नीचे ये देख नीचे वो प्लैंक पड़ा हुआ है अब यहाँ से उतरते हैं नीचे यहाँ से आगे जाते हैं ये तो वही जगह है ना ये देखिए देख ये वही जगह है जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो देख रहा है नीचे हाँ वो कोने पे यहाँ आगे कुछ है वो देखे ओ भाई आगे देख रास्ता भी है ना कुछ होगा क्या अभी तक ये समझ ये मुझे लगता है कोई और सीक्रेट बॉक्स खुलेगा इन आंखों से ये सारी कलेक्ट करनी होगी फिर वो दरवाजा शरवाजा या कोई चीज होगी जो खुलेगी यस यहाँ नहीं गए इधर क्या है यहाँ से हम कहाँ ये तो वही रास्ता है यार वापस इधर ही निकल आए हैं सो ये क्लियर हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से पीछे सारा हो गया क्लियर चूहों वाली जगह बिल्कुल शुरू में थी ना हाँ स्टार्ट में थी ओके सो काफ़ी रास्ते ढूंढने के बाद हम ढूंढ रहे थे कि क्या चक्कर चल रहा है yes. अब वो सारा प्रोसीजर आप लोगों को दिखाएंगे तो बोर हो जाओगे इसलिए हमने उसको कट कर दिया अपेरेंटली बीच में हमें एक वो मिला जिसको हमने मार दिया वो था हमारा स्पिरिट वाला कहाँ गया ये था गोर आई डैव सेट बहुत छोटा सा बॉस था इट वॉज अ सेमी बॉस उससे स्पिरिट लेना था तो वो हमने उसको मार दिया पूरी तरीके से उसके बाद अच्छा अब ये करता क्या है नॉक बैक इफेक्ट ये रिड्यूसेस द ची कॉस्ट फॉर द स्किल्स मॉडरेटली इंक्रीजेस मैक्सिमम माना ओके यही तो हमें चाहिए था ये सही है इसको कल्टीवेट भी हम कर सकते हैं सो इसका लेवल बढ़ाते हैं और ये अपग्रेड इफेक्ट और भी बढ़ा सकते हैं ना बस आई थिंक ये काफी है इतना वो देख ये हम बनेंगे और हम ओके ये डंडा लगा देंगे अब इसके इर्द गिर्द वो देख हमारे वेपन भी ज्यादा वो चलेगा ये ज्यादा अच्छा है भाई यहाँ जाके क्यों होगा ये चीज चलो भाई एडवांसमेंट्स भी आ गए यार मंकी गैंग में डालें पॉइंट्स हैं हाँ इसमें डालना है ये बहुत जरूरी है यार ग्रांड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फोकस फॉर ईच सक्सेसफुल लाइट अटैक डल्ड बाय मूव मंकीज देखो वहाँ शुरू कैसे हो भाई मंकी को हमने इनको ऑलरेडी काफी कर दिया नहीं अब मेरे ख्याल से हमें स्टाफ्स वगैरह को भी लेवल अप करना चाहिए ये क्या है चलो ऑलराइट सो हम वापस इस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे हमने वो स्टॉर्म के अंदर जो बॉस था उसको मारा था तो यहाँ से अब हम वापस चलते हैं फिर से एक दफा विलेज के स्टार्ट पे और वहाँ पे हम बाय द वे ये जो आई के निशान आ रहे हैं ये वो हैं जो हमारे एनपीसी कैरेक्टर्स हैं इसमें हमारे पास वो मेडिसिन वाला है इधर हमारे दो हैं एक वो स्टोन रॉक है और एक ये बंदा है जिसको अभी तक हमने वो चीज़ें नहीं दी जो इसको चाहिए विंड सील गेट
ये वो वाला है जो अभी हमने खोला है मेरे ख्याल से। अच्छा एंट्रेंस पे चलते हैं और जहाँ पे वो छत पे वो खड़े हुए थे और हमें तीर कमान मार रहे थे हमने जाना है। उसकी साइड पे जाने के देखते हैं कि वो साइड कहाँ कनेक्ट करी। अपेरेंटली ये मैप बाद में खुलने के बाद कनेक्ट उन्हीं जगहों से करता है, आके वो घुमा के कनेक्ट उसी जगह पे करवाते हैं हम लोग। इसी वजह से शायद उन्होंने मैप्स वगैरह नहीं दिए। अच्छा अब हम पहले ब्लॉक लाते हैं, पता है पहले वो वेल भी ले लेते हैं ना, ये पहनेंगे अब फायर डैमेज नहीं होगा हमें। उसको इधर ब्लॉक लाते हैं ताकि हमें वो ऊपर खड़े हुए। हाँ अबे यार इधर आ जा, इधर आ जा, और आ जा इधर। एरोज ना है वो एरो की रेंज देख यार। नाइस अब फ्रीज मार के ना अपनी आर्मी बुला लेते हैं, पता है आ जाओ मंकी किंग्स, इनका पेड़ा गर्क करते हैं आज। इधर बहुत तंग किया था इधर, हाय 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 नहीं बचता तू साले, बचता ही नहीं है। और ये गया 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 गया, चल भाई अब हमें आगे रास्ता ढूंढना है। ये गया अब ये क्या हुआ, हटता है अच्छा हट गया। अब यहाँ से अब इनको तो सालों को चोमू को तो पेड़ा गरक करना ऊपर। ये बॉल थी ना जो उधर थी, ये बॉल हाँ उसका फेस उधर ही है, वो पीछे है या ये बॉल है। और गांव टाइप चल रहा है भाई यहाँ पे, और ये जगह अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की थी, एक्सप्लोर ही नहीं की थी। आ रहे रुको रुको, अबे ट्रांसफॉर्म हो जाए यार, मरना नहीं है पता। एक एरो लगता है वो देखा हमने, शिट 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 होती के बच्चे मशीन गन चला देते हैं। कौन से एरोज हैं, जो क्रॉस बो है इनके पास सालों के पास, फायर वाली वो भी मारो रुक जाओ। वो देख एक के बच्चों दूसरा आ गया, गया गया गया। तो रेंज भी काफी ज्यादा है इनके यार। मैं मार यार रुक क्यों गया, खड़ा हुआ देख रहे हैं हम भी जल रहे हैं। चल भाई वापस आने लगे अपने काम में। ये भी मर गया, हेल्थ नहीं, हेल्थ लगा ले। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हेल्थ फुल हो गई है। इधर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं है, ब्लॉक्ड है ये। ये क्या है, ये गैदर कर लेते हैं। लिक्रिश था यहाँ से ऊपर जाना आई थिंक। क्या जगह है भाई ये, इधर नहीं जा सकते। ये सामने है ना कुछ चेस्ट पड़ी है। ओ ये स्पेशल चेस्ट है, पहली दफा खोल रहे हैं इस टाइप की। होते का सिर मिला है, ब्लड ऑफ आयरन बुल मिल गया वो ठीक है। इधर कुछ नहीं है, यहाँ से नीचे ये ब्लॉक है। ओ हो हो ये भी इधर वेट कर रहा है हमारा। इधर फ्रीज होना जरा, गई शील्ड ठीक है बस। अंदर क्या है, एब्जॉर्ब वेल पड़ी है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ये एरिया भी आगे से बंद है, खुला है, क्या चक्कर है भाई। पीछे 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 देख, इधर तो देख लिया हमने सारा कुछ, उस तरफ क्या है यहाँ ना। हाँ ये यहाँ पे ये कुछ जगह जा रही है ना नीचे, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे मेरे ख्याल से। इससे ऊपर ऊपर ही जा सकते हैं, जा सकते हैं। ओके चढ़े छत पे, किधर है ये हाले, ये जो मेरी नाक में दम किया हुआ था ना, निकल। वो कौन है, और बेटा एक मिनट ये खाओ, अब ये खाओ, ये खाओ। गया थोड़ा सा रह गया। ओए होए होए बिजली ना मारी, गया। दूसरा कहाँ है, मसला ये है कि हमारे पास माना वगैरह नहीं है हमारे पास। चलो ये भी गया, ये किस, ओ ये वो है वो वहां पे बैठे सामने डोर था।
ये क्या राइट पे? ओके यहाँ पे अपेरेंटली हमें बिल्कुल बॉस। ओ भाई ये क्या है? ओ अर्थ वुल्फ बॉस था इधर असल में। रास्ता देख ब्लॉक इसने किया हुआ था हमारा यार। वो तो ठीक है पर अभी हाँ, ना माना है ना कुछ और है। गलत आ गए हम लोग। कोशिश करते हैं मारने की इसको। आ जाओ बच्चे। आई थिंक मार लेंगे इसको पता है। इधर आके लड़ ताकि हमारा वो इससे आता ही नहीं है इधर ताला। वो इस तरह का चूहे वाला वुल्फ है। मुंह देख उसका। चल भाई हाय हाय पड़ी है कमर पे। आ जा इधर ही आ जा चूची कम ऑन। अबे आ जा भाई वंस मोर। जल रहा है ये चीज। ट्रांसफॉर्म कर सकते मेरे ख्याल से बता। चल भाई खुल गया उसकी। ट्रांसफॉर्म कर अगर होता है आग लगा देते हैं इसको। तो वो खत्म हो गया हमारा टाइम। भाई कोई बात नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गो। अब चांस है इसको फर्स्ट ट्राई में मार लेगा। आग लग गई फिर तो नहीं बचता। मजा साले आग को लगाने और ये लग गई। लग गई। हर हिट के साथ यार क्या डिप्लीट होता है डैमेज आग लगने के बाद। चल थोड़ा सा रह गया है। मार लेंगे वापस अपनी फॉर्म में आ गया। ओह शिट यार बचना है इससे। मर गया नाइस। स्पिरिट भी आ गया इसकी। और इसकी स्पिरिट भी ले सकते हैं हम। और वो क्या चीज है तो देखते हैं जाके भाई। हाँ राइट पे ना टेंपल टाइप कोई चीज बनी हुई है। रास्ता जा रहा है सामने पर चूहे छत से कहाँ गए हैं वो पता नहीं क्या हुआ उनका। अर्थ वुल्फ का स्पिरिट भी हमारे पास आ गया है। यही दरवाजा था ना ये हमने खोलना था जो ब्लॉक था। हाँ ये यहाँ से खोलेंगे। चूहे कहाँ हैं? फ्रंट साइड पे बैठे हुए साले। ओ देख ओके। ओए अभी से पंगा नहीं करते हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर खोला क्यों दरवाजा हमने? ये क्या चीज है? वो सामने भी देख रास्ता जा रहा है ना यार। इनको मार नहीं सकते ना। इधर पता है आर्मी बुला ले अपनी। ओ भाई ये स्पिरिट वाला है यार डैमेज देख उसका। अरे वो छोड़ ही नहीं रहे साले। रुक जो एक मिनट कहीं पे कोने में जाने तो मैं बनाता हूँ बंदर। वो बंदरों का जाया करवा दिया साले ने। पहले ये लगाएं ट्रांसफॉर्म होते हैं। मैं क्या ट्रांसफॉर्म कर ले बता। चल भाई क्योंकि इसकी हेल्थ ज्यादा है काफी स्पिरिट है। अबे हटो सालो। ये जोड़ीदार पहले इसके मारे ना। चल एक और आ गया पीछे से। ओए होए 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 नहीं भाई। वो सर है ना वो दूसरा एबिलिटी है हमारे पास। गया नाइस। अब बताओ कौन है ये लास्ट है। आ जा चोमू। अबे यार क्या हो गया इसको? चल खत्म कर इसको भी। गया ये ले लेते हैं। अच्छा ये भी चूहा भी मिल गया। इसकी भी अपने स्नाइपर छोड़ सकते हैं हम। ता अगर ये इसी तरह आग लगाए तो ये आग लगा सकता है ना दूसरे बंदे को। रैट आर्चर स्पिरिट जाके रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके सो ये जगह तो कवर हो गई है सारी। बॉस मार लिया हमने आई थिंक। इस साइड में भी देख लेते हैं।
बस इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ से तो वो आए हम लोग। ठीक है, सो ये जगह कवर हो गया, चलते हैं रेस्ट करते हैं। अब मेरे ख्याल से फ्रंट सारा क्लियर हो गया, अब टाइगर वाली जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने उसको मारा था ब्लड वाले को। ऑलराइट, तो एक बार फिर हम येलो विंड सेज से लड़ने के लिए आए हैं। वो हमने वेपन वगैरह स्टाफ वगैरह अपग्रेड कर लिया अपनी, लेकिन ये अभी तक का सबसे मुश्किल बॉस साबित हुआ है। बिल्कुल, काफी ज्यादा इसकी मौत, हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। चल भाई, अब आज मेरे ख्याल से इसका इस पे बेड़ा गया बनता है। प्लीज कर, ओ भाई, आई थिंक कर लिया जाए से पहले भी डैमेज दे। अब इसको आग लगानी है। लग जा लग जा, आग रह दूर, लग जाएगी ये चीज। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा बचना है यार इससे। ये चीज काफी ज्यादा डैमेज दिया इसको। अब आएगा दूसरे पे, अब आएगा थर्ड, और अब आएगा लास्ट। ये चीज बच गए भाई, फ्रीज इफेक्ट आने वाला है। आ गया फ्रीज इफेक्ट, अब बुलाएंगे आर्मी को अपने और मारेंगे इसको लोडेड डंडा, ये वाला। ये कमाल, गिर गया इधर। अब ये ऊपर से किसी को बुलाएगा क्या? चलो यार, डैमेज जा रहा है यार, कमाल। पहले हमें ये चीज सही है, काफी है। अब हमें इसकी फिर वो अफसर है ना हमारे पास, फ्री करके मार सकते हैं। थर्ड इसकी फॉर्म दोबारा आने वाली है, आई थिंक वापस। चल मारते हैं अफसर, थोड़ा सा बाद मारते हैं इसको। ये चीज गिर गया, फिर से गिरेगा साला, गिरता रह गया। ट्रांसफॉर्म वापस आने लगा है वो, इसकी थर्ड फॉर्म निकली तो हमने इतना डैमेज दे दिया, डील करते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म बुला रहा है हमें, जब तक हम इसको चेक करेंगे। चल भाई वो कर ले, हील कर ले। चलो भाई, हील काफ़ी ज़्यादा और उसकी हेल्थ थोड़ी सी रह गई है, इससे बचना पड़ेगा। इतनी का हील चाहिए। चल चल कर चल लिया हमने, काफ़ी है, काफ़ी हील है हमारे पास। आई थिंक माना ख़त्म होने वाली है हमारी। ओ भाई यार, अजीब सतन किया है वो यार। हील कर, चल भाई मार मार मार, थोड़ा रह गया भाई, मर जा। डॉज कर लिया, सही जा रहे हैं, हो जाएगा क्लियर। ओ भाई क्या डॉज था, कमान कमान, बहुत करीब है हम। चल चल, वो आगे ट्रांसफॉर्म कर, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। नार्डो किधर है? ट्रांसफॉर्म हमने कर लिया है, थोड़ी सी हेल्थ रह गई है। आगे मारेगा भी तो हमें यार, हमें साथ दिया हमें इसने। चल चल चल, सही जा रहे हैं, कमाल। चल बहुत आला, थोड़ी सी हेल्थ है, थोड़ी सी हेल्थ है, मार लेंगे, आग लगा के मारेंगे इसको। टोर्नेडो आ रहा कहीं पास है हमारे, आई थिंक। ओ भाई भाग गया वो साला, अंदर बंद करके फायर हो गया।
ओके ओके शेड से बाहर सैंड मूव आ गई है अभी चल आएगा अपनी बचता तो पहले क्या बात आग लग गई और ये गया क्या गया गया आग लग गई है और इसका मूव वैसे ही बाहर ही आग में आके मार दिया येलो विंड सेज चल चूहे भाग साले उसने अर्लिंग का सर पकड़ा हुआ था जो पहला बॉस था मतलब उसका वो है ना बॉस इन्हीं का बॉस दिखाया है ना कि सारी पावर्स उसने दी हुई है ये वो तो उसने उसका सर उठाया हुआ था कितना बड़ा हो गया भाई ये अबे ये इसका सर था उसका नहीं था सॉरी इसको धोखा दिया था अर्लिंग का नहीं था माय बैड अबे ये इसका सर पकड़ा हुआ था उसने ओ भाई वो देख कितना बड़ा हो गया भाई एकदम वो तेरी क्या भाई साहब अमिताभा आई एम बोधिसत्वा लिंगजी ऑफ न्यू माउंटेन सुमेरो अच्छा ये है The warden of this rest. Of this rest. अच्छा ये इसका वार्डन था. After the great sage's passing, his six senses were scattered across the mortal realm. This thieving rat chanced upon one of them. Yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent. A victim of his deceit, I had my hand taken by him. इसने ले लिया था इसका सर. A sense requires such a grand container. To release its power, I should bear the blame for his reign of havoc upon this ridge again. Through your valor and sagacity, order has been restored. You are the sole worthy one. Oh, ye relic dusra de raha hai hame. Okay. So basically please, वो बता रहा है keep it secure. Secure invested, अच्छा so वो ये बता रहा है कि जब से वुकोंग मरा था मतलब जो भी डिफीट हुआ था उसके छह सेंसेस में से एक सेंसेस रैट के हाथ लग गई थी yes. और वो थोड़ा पावर की उसमें पागल हो गया था थोड़ा समझ रहा है लालच में Belkul. तो उसने इसी का सर चुरा लिया था okay. लेकिन वो उसकी पावर रैट पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सका था ओके चैप्टर टू की स्टोरी मेरे ख्याल से yes. यार स्टॉप मोशन भी डाला हुआ है यार सेंटी ओ उसने ट्रैप लगा हुआ था उसके ऊपर जख्मी किया हुआ फॉक्स को फॉक्स को बचा रहा है और अब हम मुझे लगता है बर्फ वाली जगह पे जाने वाले हैं क्योंकि जो सीन आ रहा है ये यस ब्रो चेंज होने वाले आई थिंक विंटर की तरफ जा रहे हैं हम लोग वो फॉक्स लड़की बनी हुई है ओह तो ये दोनों की क्या प्रेम कहानी शुरू हो गई है बच्चा भी आ गया उनका बच्चा भी पैदा हुआ और मैं बच्चे को आगे भेज दिया सफर पे किसी से मिलने या क्या बच्चों को भी मार दिया है और उसकी बीवी को भी मार दिया वो जो फॉक्स थी हाँ
ये कौन है? ये माँ ही उसकी वापस फॉक्स बन गई थी, माँ नहीं बन, वो नहीं बाप देख रहा था, आप देख रहा था। अच्छा वो फॉक्स फॉक्स ही है अभी तक लड़के। ओ भाई पूरी उसने हैप्पी एंडिंग्स भी देख ली भाई अपने ख्वाब में। वो फॉक्स मर गई है, उसने अपना कोट बना लिया उसका। Men, beasts, Buddhas, Yogis, each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Okay, so am I right? Okay, so wo Sun Wukong. So wo basically ye story mein dikhaya hai, chapter 2 Yellow Sun Desolate Dusk concluded. चैप्टर टू खत्म हो गया है, लेकिन बाकी बॉसेस इस एरिया में रहते हैं, वो भी हम ऑब्वियसली मारेंगे। बिल्कुल चैप्टर टू की स्क्रॉल आ गई। सो उन्होंने ये इस कहानी में ये दिखाया बेसिकली कि आपको जो एक कुदरत का निजाम है वो जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। Rats and cats neither grasped their destiny and yet neither admitted it. Listen closely, young one. Their complaints ride upon the wind. New relic obtained. Human ears. Okay, so naya relic bhi hamare paas aa gaya. Oh, 45 level pe bhi ho gaye hum. XP भी बहुत मिली है ब्रो। Yes. Oh, ये भी काफी चीजें मिली हैं। ये बॉस से मिली ना इसको मारने। Gold iron leaves हाँ। अच्छा मेन बॉस यही था इसका। Yes. इस चैप्टर का। So अच्छा यहाँ पे भी स्टोरी दिखाते हैं ना वो बेसिकली। Zoom in करें तो ये। Spared him, punished him, avoided him, eluded him. Master's grace taught, disciples plot sought. His golden long staff meant nothing once mortal compassions took root. Bodhisattvas too could fall in this way. Okay. So, right, all okay. ये एग्जाम कर लिए। They could have put their belief in anything, yet they chose a Yogi. Those who deny the rules must suffer the wrath. No wind wrought such destruction here. The Samadhi wind brought only malice here. So ये वही चूहे की कहानी बता रहा है बशर सिंह। Before the yellow wind showed, a lion sire and an elephant white in fear quivered. A wicked Yaogwai of fierce might followed a discerning master. It was his blessing, but also became his curse. Okay, so सारा हमने देख लिया। Basically वो यही इसी chapter की story explain कर रहे थे कि रैट्स और जो लायंस थे, मतलब कैट्स और रैट्स जो उन्होंने कहा वो चूहों को और टाइगर्स वगैरह जो थे जो हमने मारा है, वो बिलीव अपना अभी भी रख सकते थे वो कॉन्ग पे, लेकिन उन्होंने चूज नहीं किया उसको और पावर के उसमें पागल हो गए। और एट द एंड हुआ क्या कि दूसरा डिसाइपल आया और उसने फेल दिया सारों को। सो इससे पहले जो वो सर जो कटा हुआ था जिसका उसका सर वापस हुआ है, वो बेसिकली प्रोटेक्टर था उस जगह, इस जगह का। yes. लेकिन उसको धोखा दिया था उस चूहे ने, क्योंकि चूहे के हाथ में जब सेज वुकोंग ने अपने रेलिक्स के 6 टुकड़े किए थे तो एक रेलिक उसके हाथ लग गया था। वो पावर तो नहीं उसकी पूरी अब्सॉर्ब कर सका क्योंकि वो इस काबिल नहीं था, लेकिन उससे थोड़ी सी पावर छुड़ा के वो इतना बड़ा बन गया, उसका सर भी काट के ले गया
उसने कहा अब मैं रूल करूंगा इस जगह को. पर एट द एंड हम आए, हमने वी सेव द डे, और वो वापस जो जिस तरह से निजाम होना चाहिए था उसी तरह से रखा. सो ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं. यस, लेकिन हमें वापस इसी जगह पे आना पड़ेगा. नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 3, व्हाइट स्नो आइस कोल्ड. स्नो में आ गए भाई. सो वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ द माउंटेन, और वो एरिया जो भी है, ताकि हम एक और रेलिक ले सकें. ओके भाईजान, स्नोफॉल. यस, लेट्स गो. तीन ही सारा चेंज हो गया भाई. ओ वो ये कौन लेटा हुआ नीचे, वो देख. ओ कौन छोड़ गया यार ये बच्चा. ओ भाई जान, स्टैचूज चेक कर ब्रो. काफी ज्यादा स्टैचूज हैं भाई इधर. बच्चे के कान देख. ये मॉन्ग टाइप कुछ लग रहा है. बुदा बुदा बच्चा ये. ओ वो भी स्टैचू बन गया भाई साहब. किसी को आते देखा है उसने. हम भी स्टैचू बने हुए थे. ओ भाई साहब, ओ भाई आते साथ ही लड़ाई. हेलो, नहीं नहीं बॉस नहीं है. चल ये अंधे हैं भाई. फ्रीज कर और शुरू हो जा. चल भाई आंखों पर पट्टी बांधनी है यार. चल भाई निकल गया. निकल बेटा, हम स्टैचू बने हुए थे यार. छुपे हुए होते हैं नई जगह पे जाके. ये है वो बच्चा. हिलेगा नहीं है, कोई बात नहीं करेगा हमसे. अच्छा अपेरेंटली यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है ना, पीछे कुछ भी नहीं है. पीछे नहीं है, इनविजिबल वॉल्स है. तो यहीं से शुरू हो रहा है ये नई जगह. बिल्कुल. और यहाँ पे कोई बुढ़ा बच्चा भी हमने देखा है. अब वो एनिमी है या फ्रेंड है ये हम कुछ कह नहीं सकते. पर आगे चलते हैं और सबसे पहले वो जगह सेफ ऑप्शन. हाय 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 है बर्फ ब्रो. सीन ही चेंज हो गया भाई सारा. राइट जाना है. ओ ये को एक और खड़ा है. और अब हमें फ्रॉस्ट इफेक्ट भी लग रहा है. यस, ये कौन है, ये उड़ते हुए क्या चीजें चमगादड़ हैं. चल भाई बता वे इसको देख, चूचू को. ये भी कोई चूहे की वो लग रही है, चमगादड़ है. चेस्ट मिली है, चेस्ट में क्या होता है देखते हैं. ओके टाइनी रिफाइंड आयरन सैंड मिली है. ओ लोटस, यहाँ पे भी जगह. यस, नहीं जा नहीं सकते ना, क्लोज है. शुक्र है नहीं जा सकते यार. मतलब जितनी जगहें खुलती है ना उतना वो कंफ्यूजन होने लग जाती है. यहाँ से हम आगे जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है. हाँ यहीं से आगे जाना है, शुक्र है एक ही रास्ता है. लेट्स गो भाई, नए विलन्स, नए बॉसेस और नया नई जगह. ये क्या है? ओ भाई फिर आ गए, ये बात नहीं आएंगे. ये चोमूस छोटे वाले जो है ना नीचे उतर गया. गया आगे चलते हैं, विल कलेक्ट करते हैं. स्वाइप कर सकते हैं विल. लेट्स गो. सेफ पॉइंट इनको देना चाहिए था इधर. सेफ पॉइंट हो गए यहीं पे आगे ही कहीं. तो हो वो स्नो हिल पाथ. तो यार ये आ गया सेफ पॉइंट. यस, गैदर कर लेते हैं. जेंथियन है. आओ जी
लेट्स गो नए चैप्टर का पहला श्राइन फ्रॉस्ट क्लैड पाथ स्नोहिल की पहली जगह पे आ गए हम लोग जहाँ पे पहला हमें वो श्राइन एक्टिवेट कर लिया हमने क्राफ्टिंग में वेपन क्राफ्टिंग में देखते हैं ये वाला हमने विंड बेरर स्टाफ बनाया था जो 50% अटैक और 4% क्रिटिकल हिट रेट बना रहा है उससे पहले हमारा ये था ठीक है जो अटैक कम कर रहा था इतना ज़्यादा नहीं था और इसके बाद ये वाला भी अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं जो अटैक 70 पे ले जा रहा है लेकिन क्रिटिकल हिट रेट नीचे कर रहा है राइट मुझे लगता है क्रिटिकल हिट रेट बिल्ड ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो डैमेज अचानक से क्रिटिकल हिट की वजह से ज़्यादा दे देती है बॉसेस को ये स्टाफ अब हम बना सकते हैं रैट सेज स्टाफ जो अभी हमने रैट बॉस हराया उसकी वजह से और ये 7% क्रिटिकल हिट रेट और बढ़ा रहा है और अटैक 66% बढ़ा रहा है सो व्हाई नॉट मेरी जान लेट्स बिल्ड दिस और ये एपिक है ये स्टाफ अभी तक ये रेयर और अनकॉमन स्टाफ यूज करते हैं पहला एपिक स्टाफ हमने क्राफ्ट कर लिया आर्मर में चलते हैं हेड गियर में तो कोई भी नया हेड गियर नहीं आया है पर इधर चेक करो भाई एंड सारों से ज्यादा डिफेंस ये इंक्रीज कर रहा है 48% और इसका फायदा क्या होने वाला है डिकॉय एंड डुप्लीकेट्स जो हमारे वो जो एबिलिटी है डुप्लीकेट आर क्लोक्ड इन येलो विंड ग्रांटिंग देम कंसिडरेबल डैमेज रिडक्शन यानी कि उनको कम डैमेज होगा तो ऑब्वियसली भाई मंकी किंग है हम डुप्लीकेट्स तो हमें वैसे ही बहुत प्यारे हैं और दूसरा ये आर्मर जो है हमें चिल रेजिस्टेंस भी दे रहा है क्योंकि आगे जो हम बुलाए जिनसे भी लड़ने वाले हैं बॉसेस से वो डेफिनेटली हमें चिल ही मारेंगे मतलब यू नो चिल वो इफेक्ट होगा कोल्ड इफेक्ट होगा और ये अभी हमें कोल्ड आयरन लीव्स चाहिए इसके लिए और इसके लिए भी सो हम ये आर्मर कंप्लीट करेंगे ये वाले दोनों आर्म और फुट रहता है हमारा वो हम कंप्लीट कर लेंगे इधर देख लेते हैं ये बर्न रेजिस्टेंस हमें देता है आई डोंट थिंक हमें बर्न रेजिस्टेंस अब चाहिए और ये अपॉन परफेक्ट डॉज ग्रांट्स कंसिडरेबल एडिशनल फोकस दे रहा है हमें सो ये ज़्यादा अच्छा है इसको भी कर लेते हैं क्राफ्ट और काफ़ी अच्छा हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग डिफेंस वगैरह काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा वंस हम वो आर्मर वगैरह भी पूरे पहन लेंगे राइट इसके अलावा रेस्ट करते हैं नहीं इसके अलावा हमारा वो भी तो आया है ना हमें रेलिक्स नए मिला है हमें ये फ्यूमिंग ईयर्स सो फ्रॉम द फेंटेस्ट नॉइज कैप्चर द डीपेस्ट सिग्निफिकेंस बोल्ड वेंचर्स ब्रिंग बोथ प्राइड एंड रेजिस्टेंस एकोज ऑफ द पास्ट कैन बी फाउंड वेयर कार्मा लिंगर्स सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली स्लाइटली एक्सटेंड्स इनविंसिबिलिटी ड्यूरिंग फॉर द फर्स्ट मूव ऑफ ऑल वेरिड कम्बोज अच्छा नैरोज द विंड ऑफ रॉक सॉलिड डिफ्लेक्शन बट रिटर्न्स हाफ ऑफ द माना कॉस्ट of the spell upon a deflection yani ki agar hum wo rock solid wala lagate hain na jisse wo deflect hota hai agar wo perfect deflect karenge to aadha mana wapas ho jayegi hame whistling wind temporarily increases attack after a perfect dodge ye zyada acha lag raha hai par perfect dodge hum kitne kar sakenge वैसे dodges to karne perfectly hi chahiye आई थिंक ये भी अच्छा है इनविंसिबिलिटी हमारी बढ़ा रहा है ऑल वेरिड कॉम्बोज पे जो भी कॉम्बोज वगैरह हम मारेंगे जिसमें हम छोटे कॉम्बोज सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं yes. तो उसमें इनविंसिबिलिटी इफेक्ट हमारा बढ़ जाता है सो आई थिंक हमें यही यूज़ करना चाहिए ओके दो हमें मिल चुके हैं और इनका भी हम बाद में कब ये इफेक्ट्स बढ़ा सकेंगे ये अभी तक पता नहीं है पर दो रेलिक्स हमें इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास नेक्स्ट अप हमारे पॉइंट्स वगैरह हमें अभी तक कोई और नहीं मिले हैं ओके ठीक है सो आई थिंक वी गोना फिनिश दिस एपिसोड राइट हियर आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो यू गाइस नो व्हाट टू डू हिट द सब्सक्राइब बटन हिट द बेल आइकन कमेंट डाउन बिलो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वी विल सी यू अगेन विद अनदर लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वॉक थ्रूज और गेम प्ले ट्रेलर रिएक्शंस टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिए हमें दुआ में याद रखिए टेक केयर लव यू